दोस्तों, यहाँ के सारंग धाम एवं बंदर खो को घूमकर अब मैं अपने अगले स्पोर्ट बृहस्पति कुंड के लिए जा रहा हूँ। एवं दोस्तों, बृहस्पति कुंड जाने के लिए पहाड़ी खेड़ा वाली बस ही लेनी होगी, जो कि पन्ना साइड से आएगी और इधर की तरफ जाएगी। दोस्तों, इस सारंग गांव से बृहस्पति कुंड की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। आगे दोस्तों पहाड़ी खेड़ा की बस चलिए बैठते हैं। फाइनली दोस्तों, सारंग गांव से लगभग 1 घंटा ट्रेवलिंग करके इस वक्त मैं बृहस्पति कुंड के मोड़ पर पहुंच गया हूं। एवं दोस्तों, सारंग से मुझे यहां तक पहुंचने में 20 रुपए प्रति सवारी के हिसाब से किराया लगा है। दोस्तों, बृहस्पति कुंड के लिए जो मोड़ कटता है, यह पहाड़ी खेड़ा से लगभग 6 किलोमीटर पहले कटता है और दोस्तों यहाँ से बृहस्पति कुंड की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर है, जिसके लिए इस रास्ते से जाना होगा। दोस्तों, इस रोड से बृहस्पति कुंड जाने के लिए कोई भी साधन नहीं चलता है, इसीलिए दोस्तों आप यहाँ से अगर सिंगल हैं तो लिफ्ट मांग कर जा सकते हैं, अन्यथा आपको पैदल ही दूरी तय करनी होगी। इसलिए बेटर होगा कि आप अपने साधन से आए तो ये ज्यादा उत्तम रहेगा। दोस्तों, ये जो बृहस्पति कुंड का मोड़ था, यहाँ से हमें सचिन तिवारी जी मिल गए हैं, जिनका गांव बृहस्पति कुंड के पास ही है। इन्हीं के साथ इस वक्त हम जा रहे हैं। दोस्तों, सामने हमें वहाँ पर बृहस्पति कुंड दिखाई देने लगा है, अब हम उधर ही बढ़ रहे हैं और तिवारी जी हमारे साथ यहीं तक आ गए हैं। तो इसके दोस्तों, मैं इस वाले रास्ते से आया हूं और इस रास्ते से जैसे ही आप आते हैं तो सामने जो पानी गिर रहा है, जो झरना है, इसको दोस्तों सूर्य कुंड बोलते हैं और बृहस्पति कुंड आगे की तरफ है। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं आपको नजदीक से जाकर भी यहाँ के नज़ारे दिखाते हैं। दोस्तों, ज्यादा नजदीक तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि थोड़ा खतरनाक है जाना, क्योंकि देखिए यहाँ की आप गहराई का अंदाजा दोस्तों लगा सकते हैं कितनी गहराई पर है कुंड, लेकिन ये ज्यादा नजदीक इसलिए जाना खतरनाक होगा। मैं दूर से ही आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करूंगा। और अब हम दोस्तों बृहस्पति कुंड की तरफ होते हुए फिर यहाँ से नीचे भी आएंगे और नीचे भी आकर आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे। कहाँ ये खदाने कहाँ लगती है? बस यहाँ से पूरा है ऑल टोटल। अच्छा, मतलब इस नदी के अंदर जो पानी गिर रहा है इसके अंदर खदाने हैं? हाँ, मतलब इतना हिस्सा जैसे, और उधर यहाँ पे वो लोग खड़े हैं। अच्छा, वहाँ पे जो लोग खड़े हैं, पूरे में खदान ही खदान चलती है, हीरे की खदानें हैं। हाँ, अच्छा, तो मतलब यहाँ हीरा मिलने का चांस रहता है लोगों को? नहीं, बहुत मिला है, बहुत लोगों को मिला है। अच्छा, ये जो खोदा हुआ है, हाँ, ये बीच बीच में जो खुदा हुआ दिख रहा है, ये सब हीरा खदान है? हाँ, हीरा खदान है। ओके, पहले यहाँ पे यहाँ पे पानी भरा हुआ है बीच में, सब रेत ऐसे इकट्ठा होकर जैसे आइलैंड टाइप को बना के रखा था। अच्छा, अब आइलैंड हटकर मतलब जैसे लोगों ने ऐसे खदान वदान चालू कर दिए तो सब वो बना दिया, गड्ढे गड्ढे हो गए। अच्छा, वहाँ सब वो आइलैंड टाइप का हट गया। इसको सूर्य कुंड बोलते हैं, यहाँ पानी गिरता है। अच्छा अच्छा, और एक वो है कुंड वहाँ पे, उसको बोलते हैं बृहस्पति कुंड। अच्छा, बृहस्पति कुंड आगे ये सूर्य कुंड है? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, बृहस्पति कुंड कौन सा हुआ? बृहस्पति कुंड वो वाला है जो वहाँ पे है, जहाँ पे वो सीढ़ियाँ से उतर के आते हैं लोग। अच्छा, उधर जो घर टाइप जो बना उधर की तरफ जो आते हैं? हाँ, उधर से उतर के नहीं, वो कुंड बना है, इसी तरह का कुंड है। वहाँ पे नहाने के लिए शंकर जी का स्थान भी है। अच्छा, और ऊपर भी शंकर जी, वो आपको घर टाइप पे दिख रहा है ना, उधर भी शंकर जी बैठे मंदिर से इधर। हाँ, अच्छा, और मंदिर में श्री राम जी की मूर्ति है और हनुमान जी की मूर्ति। दोस्तों, हमारे साथ में विनय कुमार द्विवेदी जी भी हैं, जिनकी हमारी मुलाकात यहीं पर इस सूर्य कुंड के पास आकर हुई है। अब हम दूसरी साइड जा रहे हैं और आपको बृहस्पति कुंड की तरफ लेकर चलते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं। दोस्तों, इस सूर्य कुंड की साइड से अब हम गाड़ी के माध्यम से जा रहे हैं, क्योंकि ये जो दो मिनट में क्योंकि जो हमें जो ये रीवा के कुछ दोस्त मिल गए हैं, अब हम इन्हीं के साथ घूमेंगे।
इधर साइड दोस्तों हमें अब अपनी गाड़ी लगा के आगे की तरफ बढ़ना होगा और इधर ये मेन बृहस्पति कुंड का गेट है। चलिए दोस्तों अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और दोस्तों हमारे दोस्त हैं उनसे अब हम आपको मिलवा देते हैं। मायसेल्फ प्रशांत कुमार तिवारी और हम तो रीवा से हैं भैया, सिमरिया से। हमारा नाम विनय कुमार द्विवेदी है। अभिषेक तिवारी सिमरिया से हैं, रीवा से हैं। बड़े हम बड़े गांव सिमरिया। दोस्तों यहां से मेन गेट जो है बृहस्पति कुंड का वो शुरू होता है। चलिए दोस्तों इस गेट में प्रवेश करते हैं। दोस्तों जैसे ही आप इस गेट से इस परिसर में आते हैं तो दोस्तों यहां पर आपको काफी कंस्ट्रक्शन दिखाई देता है। दोस्तों यहां पर एक मंदिर भी आपको देखने के लिए मिलता है और दोस्तों बृहस्पति कुंड की तरफ नीचे जाने के लिए ये वाला रास्ता जाता है जिस पर इस वक्त हम आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों बृहस्पति कुंड पर नीचे उतरने के लिए इन सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतरना पड़ता है। चलिए दोस्तों अब हम इन सीढ़ियों से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों काफी छोटी सीढ़ियां हैं इसीलिए हमें काफी संभल कर उतरना होगा। बढ़िया काम किया कि बढ़िया हम पचन का दूसरा इसे चला था। गाइस यहां बहुत खतरनाक सीढ़ियां हैं, यहां जाना पड़ेगा अपन। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी और एकदम ढलान जैसी है और उधर पहाड़ी आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ के नज़ारे बेहद ही मनमोहक है। देखिए ये पूरा पहाड़ी का इलाका है और बीच से नदी बहती है। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी विशाल चट्टानें हैं और इन चट्टानों से एकदम पानी भी रिश्ता रहता है। यहाँ पर दोस्तों पानी ऊपर से गिर रहा है और ये पहाड़ी के ऊपर से पानी आ रहा है, इसमें काफी स्वच्छ पानी है। दोस्तों यहाँ से ये सीढ़ियाँ थोड़ा खत्म हो गई हैं और यहाँ से ये एकदम पतला रास्ता शुरू हो गया है। और दोस्तों यहाँ पर जो गहराई है वो काफी ज्यादा है। देखिए यहाँ की एक गहराई मैं इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए दोस्तों यहाँ से हमें काफी संभल कर जाना होगा। और इस रास्ते में ये एक भगवान जी का दरबार भी है। चलिए दोस्तों एक बार हम आपको इसमें भी दर्शन करा देते हैं। जय हो हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। ये दोस्तों एक गुफा है इस पहाड़ी के नीचे है जो बृहस्पति कुंड जाते वक्त आपको देखने के लिए मिलता है और यहाँ हमारे बाबा जी बैठे हुए हैं। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। यहाँ का महत्व है, जब देव संग्राम हुआ था तो देवताओं को शक्ति कम हो गई थी, इसलिए देवताओं को शक्तिशाली बनाने के लिए भगवान शिव जी की कृपा से भगवान बृहस्पति देवताओं ने यहाँ पे यज्ञ किया, जिससे कुंड तैयार हुआ, उसमें देवताओं को स्नान किया, उससे देवताओं को शक्ति प्राप्त हुई और विराट दानों को मारकर भगवान राम जी भी यहाँ एक रात रुके और भगवान शिव जी की स्थापना करी। दोस्तों भोलेनाथ जी के दर्शन करने के बाद अब हम अपनी मंजिल पर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों यहाँ से देखिए आप कितना बेहतरीन नजारा आता है। दोस्तों यहाँ पर पानी भी भरा हुआ है रास्ते में और खाई बहुत गहरी है, इसीलिए अगर आप यहाँ पर आते हैं तो बड़ी ही सावधानी पूर्वक यहाँ पर सफर करिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ से पैर फिसलने के बाद बड़ी दुर्घटना की संभावना है। दोस्तों ये जो रास्ता है ये पहाड़ी के किनारे किनारे आता है और यहाँ पर पत्थर की विशाल चट्टाने हैं और चट्टानों के ऊपर आपको बहुत से मधुमक्खी के छत्ते देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों जैसे जैसे आप बृहस्पति कुंड के नजदीक जाते हैं तो दोस्तों यह रास्ता काफी छोटा होता जाता है और आपको यहाँ पर जो पत्थर है ये एकदम सर के नजदीक आ जाते हैं, इसीलिए आपको झुककर ही इस रास्ते को पार करना पड़ता है। दोस्तों यहाँ से आते वक्त ये पतला रास्ता यहाँ से खत्म हो गया है और यहाँ से इन पत्थरों के रास्ते से नीचे उतरना होगा।
उसके बाद हम बृहस्पति कुंड पहुँचेंगे। दोस्तों यह कुंड तो काफी गहराई पर है, हम काफी देर से नीचे की तरफ उतर रहे हैं लेकिन ये सीढ़ियां तो खत्म ही नहीं हो रही। दोस्तों ऊपर वाली सीढ़ियों से उतरकर हम इस वक्त काफी नीचे में आ गए हैं और दोस्तों यहां पर एक कुंड भी है, देखिए जिसकी तरफ अब मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं और ये काफी गहराई पर है। दोस्तों यह जो कुंड है ये मेनली बृहस्पति कुंड है, वैसे इस पूरे क्षेत्र को बृहस्पति कुंड ही कहा जाता है। इस पर भी कभी कभी पानी गिरता है ऊपर से, यहाँ से देखिए ऊंचाई कितनी ज्यादा है, देखिए आपको पत्थर नजर आ रहे हैं और ऊपर में वो वाला इन पत्थरों के जस्ट ऊपर में वो रास्ता था जिससे उतरकर हम इस कुंड तक पहुंचे हैं। इस वक्त मैं यहाँ पर एकदम नीचे आ गया था जमीन पर, लेकिन अभी हमें और आगे जाने होगा, इन पत्थरों से आगे चढ़कर इस वक्त हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों इस वक्त हम ऊपर से नीचे उतरकर एकदम जमीन के काफी नजदीक आ गए हैं और इधर हम उसी कुंड उसी झरने के पास आ गए हैं जहां पर हम स्टार्टिंग में गए थे, जहां से हमने ऊपर से आपको इस झरने को दिखाया था दोस्तों। और यहां से हमें झरने की जो आवाज है वो भी दोस्तों साफ साफ सुनाई देने लगी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि ऊपर में जो हमें तिवारी जी मिले थे उन्होंने बताया था कि यहां पर हीरा की खदानें हैं, तो देखिए खदानें कुछ इस तरह की बनी हुई हैं। इन्हीं में दोस्तों यहाँ पर हीरे को तलाशा जाता है, देखिए यहाँ पर पानी से धोने की व्यवस्था एंड खुदाई की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यहाँ पर कुछ लोगों को हीरे मिलने के चांस मिलते हैं, यहाँ से काफी संख्या में हीरे भी निकलते हैं इस नदी से। चलिए दोस्तों हम अब आगे बढ़ रहे हैं और आपको वाटरफॉल की तरफ लेके जा रहे हैं। दोस्तों इस वक्त हम इस झरने के काफी नजदीक पहुंच गए हैं, चलिए दोस्तों अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको इस झरने को काफी नजदीक से दिखाते हैं। दोस्तों इस पूरे क्षेत्र को बृहस्पति कुंड के नाम से ही जाना जाता है जिसमें सूर्य कुंड भी है और पीछे आपने कुंड भी देखा था, ये सभी बृहस्पति कुंड के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आप देख लेना यूट्यूब में। नहीं गहरा नहीं है, इलाज है इधर देख। आज तो ये लेके बहुत अच्छा व्यू आवा खाए कैमरे में उधर से पानी पड़ जाएगा इसीलिए।
दोस्तों इस वक्त मैंने आपको श्री बृहस्पति कुंड जी के दर्शन करा दिए हैं। इसीलिए दोस्तों इस सफर को यहीं खत्म करते हैं और अब मिलते हैं यहाँ से आगे के सफर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।